हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फोटो स्टोर। आज की वीडियो में बात करेंगे हम एक फ्लैश मॉडिफायर किट की, जिसका नाम है ट्राइपो मैग्नेटिक फ्लैश मॉडिफायर किट। पहले हमने आपको दिखाया हुआ है डिजिटेक का मैग्नेटिक सिस्टम, जिसमें सारी जितनी भी एक्सेसरीज हैं सारी सिलिकॉन की होती है और सिलिकॉन से डिफ्यूजन होती है। सिलिकॉन की ग्रिड है, जेल्स हैं, जेल्स बेसिकली प्लास्टिक है, बाकी सब सिलिकॉन होता है। और इस वाले सिस्टम में थोड़ा सा चेंजेस है, इसमें जो मैग्नेटिक सिस्टम है वो तो सेम ही है कि भाई मैग्नेटिक अब उस पर अटैच हो जाएंगे एक्सेसरीज, लेकिन जो मेन होल्डर है वो सिलिकॉन का और रबड़ का नहीं है। मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो हर एक्सेसरी का प्लास्टिक में ही है। तो एक एक करके देखते हैं। ये सिमिलर टू गोडॉक्स AKR1 किट है। तो इसमें एक डोम है, सबसे पहले तो वो भी प्लास्टिक का डोम है सिलिकॉन की जगह, डोम डिफ्यूज़र है। फिर जो इसकी मेन ग्रिप है वो है, ये अटैच मैग्नेट से ही होगा सब सिस्टम, लेकिन जो मेन ये रबड़ की जगह सिलिकॉन की जगह ये आपका प्लास्टिक का है। फिर इसके अंदर जेल होल्डर है, जो मेन डिफ्यूज़र है वो ये हो गया आपका। इसमें तीन तीन मैग्नेट्स हैं सब में। ये हो गई इसकी हनीकॉम ग्रिड, देखो सॉलिड मैग्नेट थोड़ा जोर लग रहा है, और ये हनीकॉम इसकी ग्रिड हो गई, इस पर भी मैग्नेट। और ये जेल होल्डर है, इसमें हमने एक जेल लगा रखा रेड। टोटल इसके अंदर चार जेल आएंगे, रेड के अलावा इसके अंदर आपको ब्लू येलो ग्रीन भी मिलेंगे, ये बाकी के जेल्स इसके अंदर पड़े हैं। अभी एक ही ट्राई करके दिखा देते हैं। तो ये थोड़ी उससे अलग डिज़ाइन की किट है और थोड़ी कॉम्पैक्ट भी है और इसकी प्राइसिंग भी उससे कम है, तो इसलिए हमने सोचा इसका एक बार वीडियो बना के आपको दिखाते हैं। तो अटैच करने का तरीका सिंपल है, बस आपको फ्लैश के साइज़ का इसको एडजस्ट करके, ये नट के जैसे एस ब्रैकेट लगता है वैसे ही लगेगा ये, इस हिसाब से आप इसको उल्टा भी लगाते हैं सीधा भी, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। उसके बाद इस पर टाइट कर दो, उसमें रबड़ लगा हुआ है तो फ्लैश पे कोई निशान पड़ेगा नहीं। वेट भी बहुत कम है, बस हल्का सा आप इसको टाइट कर दो, सिक्योर हो गया। उसके बाद इस पर एक्सेसरीज हमें लगानी है, तो पहले बेयर फ्लैश में आपको दिखाता हूँ। मिनिमम पावर पे ही फ्लैश है, बेयर फ्लैश जैसे हार्ड लाइट आती है इसको तो आप यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि वाइट पैच बन जाता है और एक्सट्रीम लगती है फ़ोटो कि भाई आपने आर्टिफिशियल लाइटिंग करी हुई है। तो उसके बाद अगर आपको सिंपली डिफ्यूज़ करना है इसको, तो आप एक बार ये डिफ्यूज़र लगा दो, देखिए अपने आप ये अटैच हो गया मैग्नेट से। इससे फिर लाइट आपकी थोड़ी स्प्रेड हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी, ये हो गई सॉफ्ट लाइट। अगर अब इसके अलावा आपको लाइट के स्पिल को कंट्रोल करना है तो आप ये ग्रिड को यूज़ कर सकते हैं, इसमें लाइट आपकी जो फैल रही है वो फैलेगी नहीं, सीधे सब्जेक्ट के ऊपर जाएगी। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लगाना था कि ग्रिड की जगह बन जाए, एक सेकेंड एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। अब ग्रिड की जगह बन गई, तो इस बिल्कुल टॉप एज पे लगाना ताकि एक्सेसरीज अंदर चली जाए। सिर्फ डोम तो लग ही गया था, अब ये ग्रिड भी आपकी लग गई है। अब इस पर देखते हैं, इससे हमारा स्पिल कंट्रोल हो जाएगा, जो लाइट पूरी फैल रही थी वो आपकी एक पर्टिकुलर एरिया पे जाएगी। तो आप बैकग्राउंड को डार्क भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट को सिर्फ लिट कर सकते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। ये हुई ग्रिड, इसको हटा लिया। फिर इस पर आप जेल होल्डर को ट्राई करते हैं, इसमें भी सेम सिस्टम है, ये लगाया। अभी रेड जेल लगा हुआ है तो ये देखिए रेड आपका इफेक्ट आ रहा है। इसके अलावा अगर आपको कंबाइन करना है एक्सेसरीज को, आप कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसे जेल के साथ ही मुझे एक एरिया पर स्पेसिफिक जगह पर मारना है तो जेल के साथ ही मैं ग्रिड भी लगा दूंगा, तो वो स्पिल कंट्रोल हो जाएगा। ये देखिए कितना क्विक सिस्टम है, वो सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर ही रेड लाइट जा रही है। और यही अगर मुझे लगता है कि भाई मुझे जेल के साथ वाइड लाइट ही चाहिए और सॉफ्ट चाहिए, हार्ड थोड़ी कम चाहिए, तो मैं इसके साथ इसका डोम यूज़ भी कर सकता हूँ। तो डोम यूज़ करने से आपका जेल का कलर भी आएगा और लाइट थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी हार्ड की जगह। ये देखिए अब वाइट की वाइड है लेकिन सॉफ्ट हो जाएगी लाइट। तो ये आप कॉम्बिनेशन जैसा मर्जी यूज़ कर सकते हैं, तीनों भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा सा इफेक्ट उसका आएगा, आपका ग्रिड से कंट्रोल हो जाएगा, इससे सॉफ्ट भी हो जाएगी, जैसे मैगबोर्ड में होता है, ये सब कुछ लग गया इससे, अब आप देखिए सॉफ्ट लाइट जाएगी वो भी, लेकिन एक स्पेसिफिक स्पॉट पर, उतनी वाइड नहीं रहेगी। और जब आप ज़्यादा एक्सेसरीज लगाएंगे एक के ऊपर एक, तो आप इसकी पावर बढ़ा दो, क्योंकि थोड़ा सा इससे आपका आउटपुट लॉस होता है। तो अभी तेज़ करके देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ रेड लाइट इस जगह पे ही पड़ रही है, वो भी सॉफ्ट होके।
तो ये बेसिक सा सिस्टम है, सिंपल सिस्टम है। और इसमें जेल मैंने आपको बताया था, और आते हैं तीन कलर्स के, ये सब सारा सामान है इसमें, येलो ब्लू रेड ग्रीन। तो लास्ट चीज़ जो बची है इसकी प्राइसिंग बची है, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट ही है तो प्राइसिंग इन्होंने रीजनेबल रखी है। इसकी प्राइसिंग है सिर्फ 1200 रुपये। तो 1200 में आपका एक बेसिक फ्लैश डिफ्यूजन सिस्टम है जो क्विक एक्सेस वाला है, आपका क्विक है, बार बार आप कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक सिस्टम है, तो एक अच्छी डील है। और जो डिजिटेक का मैंने आपको बताया था वो 2200 का है, तो उससे तो काफ़ी कम प्राइस में है। और ओरिजिनल मैगमोड का तो आपको पता ही है, उनके तो अराउंड 10-12 हज़ार के रेट है। तो काफ़ी अच्छा एक बजट सिस्टम है डिफ्यूजन के लिए और मॉडिफिकेशन के लिए। तो अगर आप लेना चाहें तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गैलेक्सी फोटो स्टोर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर चैनल।